किसी भक्त ने कहा है, निराकारम भजन तन्ने निराकार मथा परे वयम संसार संतप्ता निराकार उपासमहे। कुछ लोग निराकार भगवान की आराधना करते हैं, कुछ निराकार की करते हैं। हम संसार ताप से तप्त प्राणी निराकार भगवान की आराधना करते हैं। वो निराकार कौन है? वो अविरल बहती गंगा धारा है। वो धारा आज संकटापन्न है। उत्तराखंड से ही उसमें प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है और वो चलता जाता है पश्चिम बंगाल तक। हम लोग चाहते हैं कि हिमालय से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा को अविरल बहने दिया जाए। उसमें स्नान करके, उसका दर्शन करके लाखों करोड़ों लोग अपने आप को लाभान्वित समझते हैं। उनकी भावना का भारत सरकार आदर करे। इतनी बड़ी संख्या में हम लोग इस देश में रहते हैं, गंगा के प्रति हमारी आस्था है और हम समझते हैं कि जो विभिन्न दलों में और सरकार में कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, वे भी गंगा पर अपनी आस्था रखते हैं। भारत की आज़ादी के बहुत बड़े जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां हिमालय और इलाहाबाद की त्रिवेणी में डाली जाएं। आप सोचिए, गंगा के प्रति आस्था का ये प्रतीक नहीं तो और क्या था। तो लगातार जो भी भारत की धरती में जन्मा है उसका गंगा से प्रेम हो जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गंगा की वो अविरलता, वो निर्मलता हिमालय से लेकर पश्चिम बंगाल तक अविच्छिन्न रहे, उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न किया जाए। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अविरल गंगा बहे, निर्मल बहे। जो प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं उनको आपने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। अब हम आगे की बात बताना चाहते हैं। यह हम मानते हैं कि एक दिन में गंगा का प्रदूषण दूर नहीं हो सकता, इसके लिए समय की अपेक्षा है। अगर सरकार संकल्प करती है तो हम उसको 3 महीने का समय दे सकते हैं। वो इसके बीच में अपनी ठोस नीति निर्धारित कर दे, और नहीं तो इसके पश्चात। अभी तो हम लोग जंतर मंतर में आए हैं, हम 3 महीने में तैयारी करके लाखों से अधिक व्यक्ति रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और अब हमारा अनशन वाराणसी में ना होकर दिल्ली में होगा। गंगा को प्रदूषण मुक्त करो, तो बस इतना हमको आपसे कहना है। और हम ये चाहते हैं कि इस संकल्प को लेकर आप जाएं
हमारा ये आंदोलन चलता ही रहेगा, इसकी समाप्ति नहीं होगी जब तक गंगा का प्रदूषण दूर न हो जाए।